इसलिए कोई संसार में अमर नहीं है, बड़े विचार करके कदम उठाना चाहिए। कोई भी दुनिया में अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना है, बड़े विचार करके कदम उठाना चाहिए। देवकी के अरमानों पर पानी फिर गया, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, को जाना है कल की खबर नहीं, जा जग में पल की। ये जीवन तेरा बना बुलबुला पानी का, और दो दिन में ढल जाएगा नशा जबानी का। अच्छा, आज देवकी के सब अरमानों पर पानी फिर गया। वनी बिगड़ जाती है पल में, बिगड़ी भी बन जाती है, ऐसी लीला अखिलेश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। एक पल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आज देवकी और बसदेव जी कंस के सिकंजे में रहने लगे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अरे राजन परिषद, बड़े ध्यान मगन होकर के कथा श्रवण करना। समय व्यतीत होने पर देवकी के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, आज देवकी ने हृदय से लगा लिया, रोने लगी और कहने लगी, मेरा भैया मेरे बेटा को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बेटा को मार देगा। जिस समय देवकी बेटा को लेकर के रोने लगी है, आज बसदेव जी आगे बढ़े हैं, कहने लगे, रो ना देवकी, उस दिन को याद करो जब हमने झोली फैला करके तुम्हारे भैया से तुम्हारे प्राणों की भीख मांगी थी। आज वसुदेव जी देवकी को समझाने लगे, कैसे समझाने लगे, ध्यान देना। अरे रे वसुदेव समझाए के करो कर ले तुम्हारियो, देवकी रहे वसते समझाई कि कर लो कर ले हो तुम्हारी हो, पहले उनके तमें गांठ जन्म नहीं बेटा को दियो, ऐसा विचार कर लो कि मैंने बेटा को जन्म ही नहीं दिया। देवकी कहने लगी, स्वामी अभी तो बदन से पीड़ा भी गायब नहीं हुई, मैं कैसे जानूं कि मैंने बेटा को जन्म नहीं दिया। वसुदेव जी कहने लगे, तो क्या करोगी देवकी, आ रहे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, कोई हुई में मिटे नाई कोई मिटवैया देखो, बस देव जी।